हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हरवंश राय बच्चन का गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है शुरू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरवंश राय बच्चन ने इसमें आत्मपरिचय और गीत दो शीर्षक दिए हैं चैप्टर वन में। इसमें हम आत्मपरिचय आपको पढ़ा चुके हैं, आज हम गीत जो है इनका दिन जल्दी जल्दी ढलता है इसकी भावार्थ व्याख्या करेंगे। इसमें कवि ने, हरवंश राय बच्चन जी ने, जैसा कि जल्दी जल्दी शब्द से प्रतीत होता है, समय के परिवर्तन को संबोधित किया है कि समय बहुत परिवर्तनशील है, वो जल्दी जल्दी गुजर जाता है। यदि हम समय के साथ ना चलें तो ये हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाता है कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कैसे करें। इसलिए यहाँ पर कवि ने दिन को जल्दी जल्दी परिवर्तित करने को कहा है कि किस प्रकार समय इतनी जल्दी जल्दी चला जाता है। अब देखिए, यहाँ पर जो पहला काव्यांश है, जो गीत का, उसमें कवि कहना चाह रहे हैं, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ ये है कि यहाँ पर कवि ने एक पथिक के माध्यम से ये कहना चाहा है कि समय बहुत तीव्र गति से भागता है और समय को साथ चलने के लिए, समय को पकड़ने के लिए हमें अपना रास्ता भी, हमें अपना कार्य भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है यदि हम समय के साथ चलना चाहते हैं। अब देखिए पंक्तियाँ, हो जाए न पथ में रात कहीं, पथ यानी रास्ता, रात रात्रि, मंजिल लक्ष्य। कभी यहाँ कह रहे हैं हरवंश राय बच्चन जी कि रास्ते में कहीं रात ना हो जाए। जब पथिक को ये ज्ञान हो जाता है कि उसका लक्ष्य बहुत दूर नहीं है, अर्थात बहुत नज़दीक है, तो उसे अब अपने लक्ष्य के आते आते जो शाम होने लग रही है तो उसे रात आने का भय होने लगता है। तो ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, ये सोच करके दिन भर चलने वाला राहगीर, पंथी माने राहगीर, राहगीर भी जल्दी जल्दी चलने का प्रयास करता है, अर्थात वो थका होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। वो जान रहा है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है और हमें अपने लक्ष्य जो कि हमारा बहुत दूर नहीं है, हमारी मंजिल जो कि बहुत दूर नहीं है, हम उसे पाना चाहते हैं, हम उसके बहुत नज़दीक हैं, तो क्यों ना रात होने से पहले हम उस लक्ष्य को हासिल कर लें। अब प्रस्तुत पंक्तियों में हम इसका सेल्फ सौंदर्य छाटेंगे। तो सेल्फ सौंदर्य में सबसे हम पहले ये बताएंगे कि कवि ने क्या संदेश दिया। कवि ने संदेश दिया समय का महत्व, यानी समय के महत्व को जानो, समय के महत्व को समझोगे तभी आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। दूसरा, उन्होंने यहाँ पर जल्दी जल्दी जो शब्द का प्रयोग किया है, इसमें पुनरक्ति प्रकाश अलंकार है और खड़ी बोली है, लयात्मकता है, ये पद है, भावों में अभिव्यक्ति सरलता से प्रकट की है। तो इस प्रकार इसका सिर्फ सौंदर्य निकाल लेंगे आप लोग। और आज के लिए इतना ही।